10 किलो वजनी ढोल को गले में लेकर 8 से 10 घंटे का इवेंट ये इजीली कर सकती हैं। बड़ा अच्छा गेटअप मेंटेन किया हुआ है, ऐनक लगा के पैंट शर्ट पहन के प्रॉपर सलमान खान स्टाइल में आप ढोल बजाती हैं। जब ये बजता है ना, जो सच्ची बात है, जब ये बजता है, कहीं भी बजता है, तो दिल में एक बड़ी अजीब सी हलचल होती है, शायद आपके अंदर भी हो। मेरा एक फ्रेंड है ढोल, मैं इसकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ। वैसे शौक भी है और कुछ माली हालात भी कुछ ऐसे हैं। आप एक खातून हैं, जब आप ढोल प्ले करती हैं आपको मुश्किलात का सामना नहीं होता? कैसे आप मैनेज करती हैं उस जमे गफीर को, आदमियों का खास तौर पे, लोग तो ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? दौर कोई भी हो, मर्दों वाले काम करना औरत के लिए है ही मुश्किल। कितना कमा लेती हैं इससे, ढोल से, एक इवेंट के कितने पैसे ले लेती हैं? कुछ मेरी बात करने का अंदाज़, कुछ मेरा काम करने का अंदाज़, और जो नाम है वो सिर्फ अदा का है। अभी लोगों के ताने फेस किए हैं आपने? किसी इवेंट पर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हमें बख्शते, तो लोग तो कहते होंगे कुड़ी होके ढोल बजाण आ गई है, ऐसे की काम है, इस तरह का कभी सुना है? मैं पैसे से ज़्यादा अहमियत देती हूँ अपने काम को। एक इवेंट था तो मेरा उससे जो पैसा डन हुआ, ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा पैसा हुआ, तो वो मुझे बैठी को वहाँ पर छोड़ के निकल गया। सिक्टिवी के साथ मेरा नाम हिफ्जा ताहिर है। खवातीन के हाथ में आपने बेलन तो देखा है, लेकिन हम आपको मिलवाने लेकर आया नबीला से, जो कि वैसे तो शेखुपुरा की रिहायशी हैं, लेकिन लाहौर में आई हैं काम की गर्ज से। आज इनके हाथ में आप डगा देख रहे हैं और इनके गले में आप ढोल देख रहे हैं, जो कि कमोबेश 10 किलो वजनी है। 10 किलो वजनी ढोल को गले में लेकर 8 से 10 घंटे का इवेंट ये इजीली कर सकती हैं। पिछले 2 साल से ये शादी ब्याहों की तकरीबात पे, डिफरेंट इवेंट्स में, और यहाँ तक के दरबारों पे ढोल बजा रही हैं। ख्वातीन के लिए ये बड़ी मोटिवेशन है, और ख़ातून होकर हज़ारों मर्दों के जमे गफीर में जाकर ढोल बजाना, मैं सल्यूट पेश करती हूँ इनको। आया पूछते हैं कि शौक़ है, मजबूरी है, माली हालात घर के क्या हैं, कैसे ढोल बजा लेती हैं? खातून हो के ढोल बजाना, मैं कहती हूँ बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ला, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, फुल पसीना आया हुआ आपको इस वक्त, शादी हॉल बाहर हम खड़े हैं, कोई इवेंट शिवेंट है? जी जी, यहाँ पे इवेंट है, परफॉर्म करने। जी जी, परफॉर्म करने आया है। ये बताएं, आप इतना अच्छा ढोल प्ले कर लेती हैं, कितने सालों की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो अभी की नहीं है, ये तो एक बड़ा ही आपने बहुत अजीब सा सवाल पूछा, ये तो एक दरिया, इसको हम कभी कम्प्लीट नहीं कर सकते। और औरत का वैसे भी मर्द के साथ कोई मुकाबला नहीं, वैसे शौक भी है और कुछ माली हालात भी कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं इससे प्यार करती हूँ। और ये समझ लें कि मेरा एक फ्रेंड है ढोल, मैं इसकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कदर करती हूँ। तीन का तो फ्रेंड अक्सर मेकअप वगैरह होता है, चूल्हे चकारे होता है, मगर आपने ढोल को चुना है, ऐसी क्या मजबूरी थी? और भी बहुत से पेशे हैं जिसमें खवातीन काम कर सकती हैं, ढोल बजाना ही क्यों शुरू किया? ये एक जब ये बजता है ना, जो सच्ची बात है, जब ये बजता है, कहीं भी बजता है, तो दिल में एक बड़ी अजीब सी हलचल होती है, शायद आपके अंदर भी होती हो, लेकिन मेरे अंदर बड़ी होती थी। मेरी यही दिल से कोशिश थी कि मैं इसको सीखूं और इसको बजाऊं। अभी तक सीखा कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ये जो गले में पहना हुआ है, ये बड़ी मेरी इज्जत बना रहा है और बनाता रहेगा, और ऐसे ही करूँगी काम मैं इसके साथ। बचपन से शौक था ढोल बजाने का? बचपन में तो पता नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन जब बड़े हुए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे बड़े होते गए, दुनिया देखी, दरबारों पे गए, इवेंट्स देखे, तो ये दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं ढोल बजाऊं। हाँ, ये शौक हमने अक्सर औकात मर्दों को देखा है, और जब इवेंट्स में हम लोग जाते हैं तो मर्द ढोल बजा रहे होते हैं तो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। आपको पता है, जब वेलें करवा रहे होते हैं तो लोग पाँव में आते हैं। आप एक खातून हैं, जब आप ढोल प्ले करती हैं आपको मुश्किलात का सामना नहीं होता? कैसे आप मैनेज करती हैं उस जमे गफीर को, आदमियों का खास तौर पे, लोग तो ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? अब तो ये जदीद दौर है और सबको समझ है कि हम किसी लेडीज़ को छेड़ेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा, ये तो आप ही जानती हैं। और बाकी शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने, वैसे ऐनक पहनी होती है, मुझे क्या पता क्या कोई कर रहा है, मेरा ध्यान सिर्फ इधर ही होता है, मैं नहीं देखती किसी को भी, मैं अपने काम में मगन होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि कोई हमने छेड़ा या कोई इस तरह का कभी नहीं महसूस हुआ, ना हमने कभी सोचा इस बारे में। दिल साफ़ करके जाते हैं और दिल साफ़ करके काम करके अपने घर आ जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए
मर्दों वाले काम करना, और आजकल दौर कोई भी हो, मर्दों वाले काम करना औरत के लिए है ही मुश्किल। मुझे ये बताएं, परमिशन कैसे मिली जब आपने घर वालों को कहा मैंने ढोल बजाना है, तो घर वालों ने आपको क्या कहा? ये तो नहीं कहा कि मर्दों वाला काम है, कोई कुड़ियों वाला काम कर, ऐसा फेस करने को मिला? ऐसा मिला है, कोई बाज़ मेरे, मतलब ऐसे मैं उनका नाम नहीं लूँगी, रिश्तेदार ही हैं मेरे जाती अपने, तो जिन्होंने मतलब कि एतराज़ किया था, बट मेरे अब्बा जी ने एतराज़ नहीं किया और मेरी अम्मा जी ने भी एतराज़ नहीं किया। उसके बाद उनसे पहले पूछा, फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड बड़ी मुश्किल से माने, तो मुश्किल से माने, क्या कहते थे वो? वो मानते तो नहीं थे, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि ये मेरा एक दिल का शौक है, अगर आप मान जाए तो बेहतर है। फिर वो मान के फिर अब वो मेरा साथ देते हैं, हर इवेंट पे साथ, इवेंट पे साथ नहीं होते, कभी कभार ही जाते हैं, अदरवाइज वो उनकी तरफ से फुल इजाज़त है। घर के जो माली हालात हैं वो किस तरह के आपके, क्योंकि जाहिर है मजबूरी के तहत इंसान बाहर निकलता है काम के लिए, कमाने के लिए, तो घर के हालात के बारे में थोड़ा सा बताएं। घर के जो हालात है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ठीक है, और जितनी यहाँ पे हर चीज़ की वो महंगाई, क्या कहते हैं, महंगाई है, नाम नहीं आ रहा, महंगाई, हाँ महंगाई, तो उसके हवाले से तो ठीक ही है, गजा, हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कभी हमें भूखा नहीं सलाया। मुझे बताएं कितना कमा लेती हैं इससे, ढोल से, एक इवेंट के कितने पैसे ले लेते? एक इवेंट के पंजाबी बोला, पंजाबी से कर लो, लगी फबी है उन्होंने समझ आई ना कि फबी, लगी फबी था मतलब कि अगर आपको नज़र आ रहा है ना कि ये बैरियर टोन में है इवेंट, तो हमें किसी ने फ़ोन किया हमारा बैरियर टोन में इवेंट है, शादी हॉल में या फार्म हाउस में, जैसे उसके हिसाब से हम चार्जेस करते हैं, कभी तुक्का लग जाता है लाख का। मलकू के साथ मैंने आपकी वीडियो देखी थी एक इवेंट पे, उनके साथ जो आपने इवेंट किया था वो क्या था? वो ऐसे ही था कि इवेंट काफ़ी जो सिंगर हैं उनसे मुलाकात हुई है, तो अगर उनके साथ प्ले करने में मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मैं कर लेती हूँ प्ले, अदरवाइज़ कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी है ना एक दूसरे की फील्ड से, वो ये चाहता है कि हमारा नाम हो, हम आगे हों, तो आपको इस चीज़ का पता है कि सब अपने ही अपनी बात ही मनवाते हैं। मिला कितना नाम बना चुकी हैं आप इस फील्ड के अंदर, आपको क्या लगता है इन दो सालों में? आपको कुछ लगा तो आप आई हैं मेरे पास, ऊपर से आ रही हैं ऊपर फिर भी लोग जानने लग गए हैं, लोग कॉन्टेक्ट करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जानने लग गए हैं, कुछ मेरी बात करने का अंदाज़, कुछ मेरा काम करने का अंदाज़, और जो नाम है वो सिर्फ अल्लाह का है, हम अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, तो अल्लाह के आसरे चलते हैं और अल्लाह के नाम से हम बस चल। बता रही थी आपने कोई मन्नत मांगी थी किसी दरबार पे जाके, फिर ये ढोल बजाना शुरू किया था, वो थोड़ा सा बताएं। मन्नत मैंने मांगी थी वो बताऊंगी तो नहीं, जो मैंने मांगा, जो मैंने चाहा वो मिला है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, इस ढोल के सर पे मिला है मुझे, तो यही मांगा था, यही मिल गया, यही समझ लें आप। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, शादियों पे बजाने का, दरबारों पे बजाने का, इवेंट्स में बजाने का, या वैसे ही बजाने का? दरबार तो एक पाक हस्ती है, वहाँ पर तो हम लोग बड़े शौक़ से और दिल से जाते हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ से बाजू पकड़ी जाए, तो जो दरबारों का एक अलग चीज़ है उसका नहीं बताऊंगी, वो तो हमारी खुश नसीबी होती है कि हम वहाँ पे पहुँच जाएँ, वो उनके कदमों में हम चले जाएँ, दुआ करें अपने हक में, सबके हक में, और जो इवेंट है वहाँ पे तो फिर आपको पता ही अलग ही माहौल होता है। शेखपुरा से आप लाहौर आई हैं आपने बताया, लाहौर से अगर आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिले, दुबई में जाकर प्ले करने का, मुझे कहीं और तो इजाज़त मिल जाएगी, चली जाएंगी? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लोगों की आती भी हैं, ऑफर्स आती हैं वहाँ पर इवेंट शिवेंट पर, एक औरत के लिए किसी पे एतबार करना, ट्रस्ट करना, वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक आप किसी को जानोगे नहीं तब तक आपका वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, मैं ये चीज़ सोचती हूँ, मैं ये नहीं कि मुँह उठा के जिसने बुलाया मैं चली गई, नहीं, सोचना पड़ता है एक लेडीज़ के लिए। कभी लोगों के ताने फेस किए हैं आपने? किसी इवेंट पर जाते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं हमें बख्शते, तो लोग तो कहते होंगे कुड़ी होके ढोल बजाना आ गई, ऐदा इत्थे की काम है, इस तरह का कभी सुना है? इस तरह का भूल जाती हूँ, इस तरह की बातें सुननी नहीं चाहिए, आप इधर से सुनो इधर से निकाल दो, मतलब होती हैं, करता रहे कोई करता होगा, करते हैं जो और लड़कियाँ जो ढोल बजाती हैं जो इस फील्ड में, हो सकता है वो करती हों, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। प्रोफेशनल जेलेसी लगती है, आज आप ढोल बजा रही हैं,
कोई और लड़की ढोल बजा रही हो, वो पत्ता भी तो काटने वाला एक सीन होता है ना, होता है हर प्रोफेशन। मैं किसी को बुरा तो नहीं कहूँगी, ना मैं किसी से जलती हूँ, ना ही मुझे इस चीज़ का है कि मैं किसी को जलाऊँ। नहीं, मैं ये कहती हूँ मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊँ, और इसके इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है मेरे। आपने बड़ा अच्छा गेटअप मेंटेन किया हुआ है, ऐनक लगा के, पैंट शर्ट पहन के, प्रॉपर सलमान खान स्टाइल में आप ढोल बजाती हैं। कैसे अडॉप्ट किया, क्या सोच के आपने ऐनक वाला स्टाइल किया? ऐनक वाला जो स्टाइल है ये सबसे अलग है, और ऐनक किसी किसी दे कहते हैं ना पंजाबी, किन्ने किसी किसी दे मुँह तो फबदी है, तो शायद हो सकते मेरे मुँह तो फबदी हो, मुँह तो फबदी है तो तुसी लाई। हाँ जी, मैं झुकते मार। कि अगर ज़िंदगी का कोई महंगा तरीन इवेंट करने का मौका मिले, कोई बड़ा तरीन इवेंट, तो कितने पैसे चार्ज करेंगी आप? कोई क्या ख्वाहिश रखती हैं? मैं पैसे से ज़्यादा अहमियत देती हूँ अपने काम को, और अगर मिल जाए तो वो अल्लाह का शुक्र है, पर मैं ये चीज़ नहीं बोलती कि मुझे जितने मिल जाए तो नहीं, पैसे जितने भी हो कम ही लगते हैं। पैसा जितना भी हो कम ही है? हाँ, कम लगता है, बस इज्जत कमाना, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि मैं अच्छा अच्छा काम करूँ, लोग मुझे पसंद करें और मेरे काम को पसंद करें। आगे जो है वो क्या चाहती हैं आप, आने वाला फ्यूचर? इवेंट्स वगैरह पे ही बजाना है, शादियों शूदियों पे बजाना है, या और कुछ बड़ा देखती हैं अपनी जिंदगी? सोचा तो बड़ा कुछ है जो अल्लाह को मंजूर है। फिर भी कोई ख्वाहिश तो होती है इंसान? ख्वाहिश मेरी ये कि मैं अपने इसको सीख और मज़ीद मेहनत करूँ, मेहनत करने के बाद मुझे खुद लोग बुलाएँ, मुझे ये ना कहना पड़े मैं ये काम करती हूँ मुझे बुलाएं, नहीं, वो खुद मुझे बुलाएं और मैं खुशी खुशी वहाँ पे जाऊँ, वो सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। कभी ऐसा हुआ किसी ने आपका हक रखा हो? हक रखने की तो दूर की बात है, हक ले के भाग जाते हैं। क्या मतलब है? अक्सर ही ये जो ढोल प्लेयर है ना, अक्सर ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं उस बंदे का लूँगी, अगर वो देखेगा तो सोचेगा ज़रूर कि मैंने इसके साथ ये किया है। एक इवेंट था तो मेरा उसे जो पैसा डन हुआ, ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा पैसा हुआ, तो वो मुझे बैठी को वहाँ पे छोड़ के निकल गया। ये भी होता है? ये भी होता है, वो जो वो करते हैं जो बहुत ही कमीने लोग होते हैं, ये अक्सर उन्होंने वो ये कदर नहीं करते कि ये साज इसने पहना हुआ हम इसका हक ना रखें, इसकी खातिर ही वो मेरा हक दे दें, तो ये बड़ी एक भी पैसा नहीं दिया उसने? नहीं, वो सच्ची बात है कि मैं फार्म हाउस में गई थी तो वो लोग बाहर से भाग गए, पैसे जमा किए और सारा मेरी पेमेंट। ना पैसा था वो नबीला? तकरीबन कोई होगा 2 लाख तो होगा। वे इतने अफसोस की बात है कि 2 लाख रुपए की रकम, मेहनत की कमाई, कोई लेके चुटकियों में चला गया और आपको मुड़ के भी नहीं देखा उसने। मैंने जब पूछा उससे, वो जिसने हमें बुलाया था, वो जो मालक था जिसके बेटे की शादी थी, तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या सर ऐसे ऐसे मेरे साथ ढोल वाले थे, तो कहते उनको तो मैंने फ़र्क कर दिया, तो वो मैं बड़ी हैरान हूँ। हालांकि उसी ने फिर मुझे गाड़ी का रेंट दिया, और मैं अपनी गाड़ी में नहीं गई थी, मैं ऊपर पे गई थी, उसी ने मुझे रेंट दिया और मैं फिर वापस आई अपने घर रात के तकरीबन 1-1.5-2 बजे का टाइम। बाद ज़िंदगी में कभी एतबार करते हुए आपको डर लगा है किसी पर? एतबार तो बड़े बड़े लोगों ने तोड़ा है मेरा, अल्लाह उनका भला करे। मैं दिल सच्ची बात है, मैंने बड़ी वो दिल को ना ठेस वाली बात पूछी है मेरे से। दुनिया आजकल जो है ना सिर्फ इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करती है, और इस्तेमाल के अलावा जो है ना कुछ भी नहीं है दुनिया के पास, और बड़ी बड़ी लोगों ने चीट की है, एतबार करवा के करके तोड़ा है, बस ये कहना चाहूँगी। आपकी आंखों में आंसू क्यों है, मतलब क्या हो गया नबीला? मैंने इतना कोई वो सवाल नहीं किया। आपने सवाल इस तरह का बोला कि कभी एतबार टूटा हो, तो बड़े लोगों पर एतबार टूटा है और अल्लाह उनका भला करे। बस नबीला की आंखों में आंसू इस वक्त इस वजह से हैं कि बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिस पे लोगों ने इनको बुलाया और इनका एतबार टूटा, मतलब इनको इनकी इवेंट के अलावा भी लोग जो हैं ना, जो बहन भाई बने होते हैं, वो एतबार के काबिल नहीं है। मेरा एतबार बहुत बड़ा एतबार था जो मेरा टूटा है। ऐसी कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगी एतबार के हवाले से जिसके बारे में आप बात करें? मैं यही कहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं मेरे जैसी मासूम, वो किसी को भाई ना बनाएं, किसी को दोस्त ना बनाएं, और जो अपना भाई है अपना भाई है, जो बहन है अपनी बहन है, किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए और किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है सब लड़कियों के लिए। कोई भी आपको आपके घर आता है, आपको बोलता है कि जी आप हमारी ये हैं वो हैं और आपको हम फेमस करेंगे ये करेंगे, आपने कभी उस पर एतबार नहीं करना, बेशुमार लानत पेश करनी है उसके ऊपर।
ज़िंदगी की कुछ ऐसी ट्रेजिडी नबीला ने फेस की है जो वो बताना नहीं चाहती, लेकिन उसके वजह से इनका जो एतबार टूटा और इनकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं। इसको लेकर हो जाता है ज़िंदगी में, इंसान एतबार कर जाता है लेकिन वो लोग शायद एतबार के काबिल नहीं होते, और फिर औरतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बाकी क्या देखती हैं आप, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? अब माशाल्लाह आप कामयाब तरीन एक औरत हैं, अपने पाँवों पर स्टैंड कर चुकी हैं, हंसता बस्ता घर है आपका, गाड़ी भी माशाल्लाह आपने रख ली, इवेंट्स भी कर रही हैं, ऐसे घटिया लोगों के बारे में क्या कहेंगी कि जो लड़कियों को ट्रैप कर जाते हैं और बाद में उनका फ़ायदा उठा लेते हैं जैसे आपके साथ हुआ? इनके बारे में मैं यही कहूँगी कि बस बार बार यही चीज़ आती है कि बहुत बड़ा किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है, वो भी पैसे के लिए। आप पैसे के लिए जब करते हो ना कुछ तो बहुत बड़ी ठेस होती है। आप इस किसी के नाम के पैसे लूट रहे हो और उस बंदे को पता भी नहीं है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो, और बाद में जिससे आप पैसे लूटते हो और उसी को आप पैसे लूटते हो और उसी को आप उसी के ख़िलाफ़ उस दूसरे बंदे को कर देते हो, तो वो घटिया इंसान है, लानती इंसान है। मैं तो दिल से बदवें दूँगी उस बंदे को और देती भी हूँ, जो भी है वो बताना नहीं चाहूँगी मैं, लेकिन मैं इस टाइम मेरा दिल करता है कि मैं फूट फूट के उसके हक में बददुआएं करूँ और गाली दूँ उसको मैं बस। नबीला जाते जाते कुछ प्ले करेंगे? जाते जाते ठीक है, अब हम थोड़ा भाई अच्छे मूड में आ जाएंगे। नबीला ने बहुत लांगते दे दी हैं उस बंदे को कुछ अच्छा। चले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नबीला जितनी आपको शौक चंचल नज़र आ रही हैं, इनके दिल में जितना दर्द था वो आपको इंटरव्यू में नज़र आ गया होगा। इनके साथ भी कहीं ना कहीं वो हुआ है जो हमारे माशरे की ढेर लड़कियों के साथ होता है, मतलब इनका एतबार किसी ने तोड़ा है और मेरी बात नहीं सुन रही है। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। भाई दिल टूटते रहते हैं लेकिन इंसान को जो है ना वो ज़िंदा दिल होना चाहिए जैसे नबीला है। मैं स्टैंड हुआ बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने सीधी तैसी। हाँ वो जड़ा करे होंगी बस समझ तो गए हो गया। अल्लाह हाफिज़।